नगर पालिका निगम द्वारा महिला स्वावलंबन योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को कैंटीन के लिए दिए गए दो दुकानों को संभाग आयुक्त ने अपने दौरे के दौरान हटाने का निर्देश दिया है। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा महिला स्वावलंबन योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को निगम परिसर के अंदर दो दुकानें आवंटित की गई थी, जिसमें महिलाएं कैंटीन चला रही थी। इसी बीच बीते दिनों संभाग आयुक्त ने निगम भिलाई का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि निगम भिलाई द्वारा आवंटित की गई दुकानें ठीक निगम के मुख्य द्वार के सामने लगाई गई हैं, जिससे निगम में आने जाने वालों को पार्किंग सहित और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसे देखते हुए वहां संचालित तीन कैंटीन को संभाग आयुक्त द्वारा अन्यत्र जगह विस्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश का पालन करते हुए महिला स्व सहायता समूह को दी गई दुकानों को निगम के पीछे के हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया, परंतु एक दुकान जो पुरुष हितग्राही द्वारा चलाया जाता है वह अब तक उसी जगह पर है, जिसे देखकर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भेदभाव का आरोप लगाया है और जल्द से जल्द अपने लिए स्थायी जगह की मांग की है। वैसे तो जगह तो अच्छा था, वहाँ पर चलता भी ठीक था, एक दिन शायद संभाग आयुक्त आए थे तो उनको अच्छा नहीं लगा कि मतलब यहाँ पर सामने सामने मतलब ये लग रहा है कैंटीन है करके, तो सर बोले कि सारे कैंटीन यहाँ से, तीन कैंटीन लगता है हम लोग का, तो तीनों कैंटीन को पीछे साइड जगह दे दीजिए। तो तीनों में से तो हम दो महिला संघ आते जितने समूह खोले थे, हाँ कैंटीन खोले थे, तो हम आ गए और एक कैंटीन वहीं पर, वो अभी तक नहीं हटा है। नहीं सर, पीछे साइड अभी तक तो नहीं आया, अभी मोहलत मांगे हैं शायद, वो पीछे साइड उतना चल नहीं रहा जितना मतलब सामने चल रहा है। मांग यही है सर कि क्या मतलब यहाँ भी अभी लगाए हैं सर, तो फिर भी अभी यहाँ कोई फिक्स नहीं, यहाँ भी क्या है गाड़ियाँ वाड़ियाँ साइड के नीचे खड़ी होती थी, तो अब उनको अभी तो ठीक है, बारिश में फिर उनकी गाड़ियाँ फिर बोलेंगे कि हमारी गाड़ियाँ कहाँ रहेंगी, तो उसके लिए बोले कि अभी फिक्स मत कीजिए आप लोग अपना गुमटी कि कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ भी यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे आप लोग। वहीं नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी ने मामले को विस्तार से बताते हुए कुछ इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराई है। नगर पालिक निगम भिलाई ने कर्मचारियों एवं आम नागरिकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से दो सहायता समूह को कैंटीन और एक पूर्व से आवंटित कैंटीन मुख्य दरवाजे पे गेट पे लगाए गए थे। संभागायुक्त महोदय का गत दिनों यहाँ निगम कार्यालय का भ्रमण कार्यक्रम था, उन्होंने जब पूरे कार्यालय का भ्रमण करने के बाद मुख्य गेट पे देखा कि दो कैंटीन वहाँ पे लगे हुए हैं और लोग वहाँ इकट्ठे होकर भीड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने निर्देश दिए थे आयुक्त महोदय को कि ये कैंटीन को दूसरी जगह पर स्थापित किया जाए। वर्तमान में जो महिला स्व सहायता समूह को आवंटित कैंटीन है उसे मुख्य गेट से हटाकर अन्यत्र स्थापित कर दिया गया है और एक कैंटीन जो बचा हुआ है उसके लिए भी सुरक्षित स्थान देखकर उसको शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे कैंटीन के स्थान परिवर्तन से उनके व्यवसाय पर काफी बुरा असर पड़ा है, जिससे उभरने के लिए महिलाएं एक बार में अपने लिए स्थायी जगह की मांग निगम प्रशासन से कर रही हैं। एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।